में चालू किया है गुजरात में 15 दिनों से। आज हमने राजस्थान में चालू किया चित्तौड़ की धरती पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अभी आज शाम को अजमेर में किए, अब कल से रणनीति बनाकर पूरे प्रदेश में हम लोग ये विरोध प्रदर्शन चालू करेंगे और बाकायदा कल की रोज राज शेखावत नाम के हमारे जो राजपूत समाज के सदस्य हैं उनकी पगड़ी उछाली गई। 2 दिन पहले मैं वहाँ अहमदाबाद गया, मेरी टोपी उछाली गई। राजपूत समाज का सबसे बड़ा मान सम्मान उसकी पगड़ी होती है, उसका स्वाभिमान पगड़ी होती है, और उससे भी बड़ा कोई होता है तो महिलाओं का मान सम्मान स्वाभिमान। एक तरफ एक भारतीय जनता पार्टी का MP ये बूम तो रख दो, फिर सवाल कर लेना, ये तो रख लो सामने आएंगे ना। देखिए अभी हाल फिलहाल तो जिस मुद्दे को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो है जिसने हमारी बहन बेटी की इज्जत उछालने का काम किया है उसका नॉमिनेशन रद्द हो, उसका टिकट कटे। और सेकेंड स्टेप जो आप बोल रहे हैं कि टोपी उछाली और पगड़ी उछाली, तो वो उसी मुद्दे को लेकर उछाली गई है। तो पहले तो उनकी टिकट काटी जाए और जो अधिकारी जिस अधिकारी का इसमें हाथ हो वो निलंबित हो, और लड़ाई आगे कहाँ लड़ी जाएगी, कहाँ तक लड़ी जाएगी, पूरा राजपूत समाज बैठ के तय करेगा। अगर पूरे देश में फिर भी विरोध चालू रखने का अगर मैसेज आएगा तो हम लोग वो भी करेंगे। अकेले गुजरात में 90 संस्थाएं विरोध कर रही है, उनकी एक समन्वय समिति है जो 90 संस्थाओं को मिलकर बनी है। राजस्थान में जितनी भी संस्थाएं हैं वो मिलकर करेगी, मध्य प्रदेश में है वो मिलकर करेगी, यूपी में भी परसों के रोज बड़ा सहारनपुर में प्रोग्राम हुआ इसी को लेकर 2-3 लाख लोगों का, तो हर जगह विरोध जारी है। किसी की गलतफहमी हो कि केवल गुजरात में हो रहा है तो मैं आपको बता दूं पूरे उत्तरी भारत में हो रहा है, और हम नहीं चाहते पूरे देश में फैले। अभी तक तो मोदी तुमसे बैर नहीं और रूपाला तेरी खैर नहीं, और अगर बात बढ़ी तो फिर रूपाला और मोदी हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात में राजकोट संसदीय क्षेत्र की एक भारतीय जनता पार्टी की एक टिकट दी गई है पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला ने पिछले दिनों राजपूत समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करी जिससे पूरे गुजरात में रोष व्याप्त है। 15-20 दिन से गुजरात का हर एक क्षत्रिय क्षत्राणियाँ सड़कों पर है और फिर भी उसकी टिकट अब तक नहीं काटी गई। अब हम सब ने तय किया कि पूरे देश में इस विरोध को लेके जाएंगे। हमने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस चित्तौड़ की धरती पर, क्योंकि वो माँ पद्मावती की धरती है जिन्होंने जौहर किया अपने स्वाभिमान के लिए, और ये भी हमारे स्वाभिमान का मामला है, हमारी बहन बेटी की इज्जत का मामला है, वहाँ से हमने प्रारंभ किया। अभी दूसरे चरण में हमने आज अजमेर में ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आप सब लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ जब तक टिकट नहीं कटेगी हम लोग रुकने वाले नहीं। दूसरी बात, हमारे समाज के नेताओं की पगड़ी उछाली जा रही है, 1 दिन पहले मेरी टोपी उछाली जाती है प्रशासन के द्वारा, कल राज शेखावत का पगड़ी उछाली जाती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ
जैसे हमें बहन बेटी की इज्जत प्यारी है, वैसे ही राजपूत समाज के लिए पगड़ी उसका मान सम्मान है, उसका अभिमान है। अगर पगड़ी पे कोई हाथ डालता है तो उसका खामियाजा उन अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा, उस प्रशासन को भुगतना पड़ेगा और वहां की सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, जल्द से जल्द पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट काटी जाए। और अगर भाजपा को इतना ही प्रेम है उससे, तो मैं बोल रहा हूं आज तक हमने भाजपा का साथ दिया है, अब की बार 400 पार का नारा इन्होंने दिया है, और अगर इस नहीं माने तो अब की बार पार्लियामेंट के बाहर का नारा हम लोग देंगे। कमल का फूल का नारा आज से 5 साल पहले लगा था, 3-3 स्टेट की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आउट हो गई थी। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से केवल यही बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग चाहते हैं मोदी जी आए, मोदी तुझसे बैर नहीं, रूपाला तेरी खैर नहीं, अब तक तो नारा ये है। पर मोदी जी अगर आप हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं, हमारी बहन बेटी की इज्जत पर अगर आप आपको कोई इतना कोई आप इसमें कोई वो नहीं बता रहे, कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे, तो हम लोग बकायदा इसका विरोध करेंगे। आपको सोचना चाहिए, जो महिलाओं की बात करते हैं आप हर दिन, अमित शाह जी बात करते हैं, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं राष्ट्रवादी पार्टी जीत के आए, पर राजपूत के सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा। हमारे यहाँ सर सस्ता है, इज्जत महंगी है, मर जाएंगे पर इज्जत नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। हम लोग दो दो हाथ करने को तैयार है, दो मुट्ठी बाजरे के लिए अगर आप दिल्ली की संतलत होने को तैयार है, तो हम भी वो दो दो हाथ करने को तैयार है। विरोध को लेकर क्या रणनीति तय कर रहे हैं? अब तक गुजरात में हम लोगों ने 5-7-10 जगह बड़ी बड़ी मीटिंगें करी, हजारों आदमियों की मीटिंगें हुई। राजकोट में 14 तारीख को एक बड़ा 4-5 लाख लोगों का सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, और फिर भी नहीं हुआ तो जिस तरीके की पत्रकार वार्ता मैं यहाँ कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान में महिपाल सिंह मकड़ा करेगा, एमपी में मेरा प्रदेश अध्यक्ष करेगा, यूपी में मेरा प्रदेश अध्यक्ष करेगा, हरियाणा में मेरा प्रदेश कमिश्नर व राजपूत समाज के लोग करेंगे, उसी प्रकार हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले सेकंड चरण में गांव-गांव ढाणी ढाणी जाकर राजपूत समाज को जगाया जाएगा कि इज्जत स्वाभिमान और महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। जो पार्टी हमारे स्वाभिमान से कई समझौता करने को तैयार है, तो हम लोग ऐसी पार्टी का बकायदा विरोध करेंगे। कितनी संस्थाएं गुजरात में 90 संस्थाओं को मिलाकर एक समन्वय समिति बनाई गई, राजस्थान में जितनी भी हमारी 40-50 बड़ी संस्थाएं हैं उन सब से हमारी चर्चा हुई है, और हर एक संस्था अपने अपने क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन को तैयार है। अगर फिर भी वो जीत जाते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती, अगला कदम क्योंकि टिकट मिल गया, टिकट मिलने के बाद चुनाव हो जाएंगे, चुनाव के बाद जो भी रिजल्ट आएगा तो अगर वो जीत जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा तो आपका ये सारा विरोध पानी में नहीं जाएगा, उसके आगे क्या? देखो महाराणा प्रताप ने सैकड़ों लड़ाई लड़ी, जीती कितनी? चंद लड़ाइयां, हर लड़ाई नहीं जीते। हम हमारे मान स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे, जीते हारे वो गर्व की बात है, वो आगे की बात है। पर हम लोग हमारे बहन बेटी की इज्जत के लिए लड़ ही नहीं पाए तो इतने कमजोर राजपूत नहीं है, जवाब दिया जाएगा। जीत हार आगे की है, हो सकता है मोदी लहर में वो लोग जीत जाए, पर हमारा स्वाभिमान हमारे अंदर जिंदा रहेगा, हम सम्मान से सर उठा के चल सकेंगे कि हमने विरोध किया, गलत का विरोध करना जायज है, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे। बहन बेटी की इज्जत के लिए हम नहीं बोल पाए, पगड़ी के लिए हम लोग नहीं बोल पाए, हमारे सम्मान के लिए हम लोग नहीं बोल पाए, इतना कमजोर राजपूत अभी नहीं हुआ है।